आज हम सर्किट ब्रेकर के टाइप्स देखेंगे और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एमसीबी। एमसीबी का जो फुल फॉर्म है वो है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो इसके हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे कि एमसीबी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो सबसे पहले उसका जो रेटेड करंट है, करंट कैपेसिटी है, रेटेड करंट वो है नॉट मोर देन 100 एम्पियर। मीन्स 100 एम्पियर से ज़्यादा उसका रेटेड करंट नहीं है। अब इसके जो ट्रिपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो ट्रिपिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, वो एडजस्टेबल नहीं होती, मीन्स फिक्स होती है। उसके बाद में इसका जो ऑपरेशन है एमसीबी का, वो थर्मल या फिर थर्मल मैग्नेटिक ऑपरेशन है, इसके ऊपर वो ऑपरेट करता है। तो ये एमसीबी की कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। उसके बाद में है एमसीसीबी। एमसीसीबी का जो फुल फॉर्म है वो है मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। तो इसके भी हम कैरेक्टरिस्टिक्स जानेंगे, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो सबसे पहले ये जाने कि इसका रेटेड करंट जो है वो अप टू 1000 एम्पियर है। अब जैसे एमसीबी के अंदर ट्रिपिंग कैरेक्टरिस्टिक जो एडजस्टेबल नहीं थी, नॉट एडजस्टेबल, लेकिन एमसीसीबी के अंदर इसकी जो ट्रिपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है वो एडजस्टेबल है। ट्रिपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो एडजस्टेबल है। और ये भी सेम ऑपरेशन है उसका भी, थर्मल मैग्नेटिक ऑपरेशन के ऊपर वो वर्क करेगा। तो ये एमसीसीबी का कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे एसीबी। एसीबी का जो फुल फॉर्म है वो है एयर सर्किट ब्रेकर। तो एयर सर्किट ब्रेकर का हम रेटेड करंट, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जानेंगे। तो इसका जो रेटेड करंट है वो है अप टू 10,000 एम्पियर। और एसीबी का जो ट्रिपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है, ट्रिपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स वो फुल्ली एडजस्टेबल है। एसीबी के अंदर ये जो सर्किट ब्रेकर है वो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल है, इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल है। और किसी किसी सर्किट ब्रेकर में माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल भी होता है। और ये यूज़ होता है मेन पावर डिस्ट्रीब्यूशन में, और इसका जो मेंटेनेंस है वो इजी रहता है, इजी मेंटेनेंस। उसके बाद में वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर उसका जो रेटेड करंट है वो अप टू 3000 एम्पियर है। और इसका जो आर्क क्वेंचिंग मीडियम है वो वैक्यूम है। और जो आग जो इंटरप जो आग होगी वो वैक्यूम बॉटल के अंदर ही इंटरप होके वो आग क्वेंच हो जाएगा। उसको हम 35 KV तक भी यूज़ कर सकते हैं। और इसका जो लाइफ है वो सबसे ज़्यादा रहता है, मीन्स लॉन्गर लाइफ रहता है। उसके बाद में है आरसीडी, और उसको कह भी सकते हैं आरसीसीबी। आरसीडी का फुल फॉर्म जो है वो रेसिडुअल करंट डिवाइस या फिर रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर है। अब इसके अंदर जो फेज
और न्यूट्रल वायर जो होता है वो आरसीडी के साथ कनेक्ट रहता है, और ये तभी ट्रिप करेगा जब कोई अर्थ फॉल्ट करंट होगा, तभी ये ट्रिप करेगा। ये जो सर्किट ब्रेकर है आरसीसीबी, वो ज़्यादातर 30 मिली एम्पियर टू 100 मिली एम्पियर डिवाइस में यूज़ होता है। उसके बाद में है ईएलसीबी। ईएलसीबी का जो फुल फॉर्म है वो अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर है। उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर जो मेन लाइन है फेज, न्यूट्रल और अर्थ वायर, ये तीनों ईएलसीबी में कनेक्ट रहते हैं, और इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल जो है वो अर्थ लीकेज करंट के ऊपर वर्क करेगा।